मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में, आज अपन देखेंगे वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो अपन चलते हैं। अब देखिए, अपने पास अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो वर्बल कम्युनिकेशन को पहले समझ लेते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन क्या, देखिए ह्यूमन ही एक ऐसा है जो वर्बल कम्युनिकेशन करता है। वर्बल कम्युनिकेशन जो हम बोल कर करते हैं, जिसमें हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कोई चीज़ किसी को बोल के बताते हैं, वो कम्युनिकेशन हमारा क्या कहलाता है, वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। वर्बल कम्युनिकेशन में भी अब अगर हम बात करें तो दो टाइप के कम्युनिकेशन हमारे पास आता है, वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन या रिटन कम्युनिकेशन। अब देखिए, ओरल कम्युनिकेशन क्या है, ओरल कम्युनिकेशन है कि जब कोई इंफॉर्मेशंस को या किसी मैसेज को जब हम बोल कर देते हैं, यानी बोलते हैं, तो वो कम्युनिकेशन हमारा क्या कहलाता है, ओरल कम्युनिकेशन कहलाता है। क्या, अपन ओरल मतलब बोल के कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन हमारा क्या कहलाता है, ओरल कम्युनिकेशन कहलाता है। अब ओरल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो ओरल कम्युनिकेशंस में हमारे पास मीडिया ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, इन ओरल कम्युनिकेशंस को हम किन किन से करते हैं। तो अगर हम ओरल कम्युनिकेशन की बात करें तो ओरल कम्युनिकेशन हमारे पास करने का तरीका है, देखिए ओरल कम्युनिकेशन हम जो करते हैं, तो देखिए हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन, तो ओरल कम्युनिकेशन हमारा किस तरीके से होता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, यानी हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन से जब बात करते हैं, बोल के बात करते हैं, तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, ओरल कम्युनिकेशन कहलाता है। दूसरा हमारे पास आता है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, यानी जब हम किसी से मोबाइल से या टेलीफोन से जब बात करते हैं, तो वो कम्युनिकेशन भी हमारा क्या कहलाता है, ओरल कम्युनिकेशन कहलाता है, क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे हैं, बोल के बात कर रहे हैं। इंटरव्यू किसी से लेते हैं, इंटरव्यूज़ में लेते हैं, जैसे हम किसी से क्वेश्चन पुट अप करते हैं, वो हमें आंसर देता है, तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, ओरल कम्युनिकेशन। तीसरा हमारे पास मीटिंग्स लेते हैं, हम अपने साथ एम्प्लॉय के साथ बात करते हैं, बैठ के डिस्कशन करते हैं, तो वो भी हम कैसा कम्युनिकेशन हमारे पास, ओरल कम्युनिकेशन। लेक्चर्स जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट से बात कर रहे हैं आपसे, तो ये भी हमारा कौन सा, कॉन्फ्रेंस, ये सारे हमारे पास, रेडियो टॉक, टीवी, सिनेमा शो, अनाउंसमेंट्स, जितने भी हम इस टाइप से करते हैं, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, ओरल कम्युनिकेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ओरल कम्युनिकेशन कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओरल कम्युनिकेशन की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पे। तो ओरल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास, हम पहले बात करते हैं मेरिट्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन। अब देखिए, ओरल कम्युनिकेशन की मेरिट्स क्या होती है, इनका सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हम ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सबसे पहले आपको उससे एडवांटेजेस क्या मिलेंगे, फास्टेस्ट कम्युनिकेशन। क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि अगर हम किसी से मैसेज लिख के बात करें या किसी को कोई और लेटर लिख के बात करें, तो उसमें हमारे पास समय ज़्यादा लगे। अगर किसी से सिर्फ बोल के बात करना, तो हम तुरंत, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फास्ट कम्युनिकेशन, यानी ये सबसे ज़्यादा हमारा जो कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी बात करें किसी से, तो ये कम्युनिकेशन हमारा सबसे कैसा है, फास्ट है। दूसरा हमारे पास है, इसका जो एडवांटेज है, मोर फोर्सफुल का मतलब प्रभावपूर्ण, यानी अगर हम किसी से, जैसे किसी से अगर हम ना मिले और कोई मैसेज पास करें, तो हमारे पास उस पर हम प्रभाव नहीं छोड़ सकते, पर अगर हम किसी से बात करें, किसी से हम सामने मिलके बात करें, तो वो हमारी पर्सनालिटी या हमारे जो व्यवहार है, बिहेवियर देख के प्रभावित होता है। तो इसलिए अगर कम्युनिकेशन जो हमारे पास है, चाहे हम किसी टाइप का कम्युनिकेशन करें, पर जो हमारे पास इसका जो फोर्स है या जो हमारे पास इसका प्रभाव है, अदर कम्युनिकेशन से ज़्यादा इसका प्रभाव हमारे पास पड़ता है। हम सीधे उसके हाव भाव को, एक्सप्रेशन देख के समझ सकते हैं कि सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज क्या कर रहा है, क्योंकि हम उससे सामने बात कर रहे हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन में ही हमारे पास क्या, जो हमारे पास है, इसका प्रभाव ज़्यादा है। अदर कम्युनिकेशन के पीछे इसमें क्या है, प्रभाव ज़्यादा है, क्योंकि हम उसके हाव भाव सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तीसरा हमारे पास है इमीडिएट फीडबैक।
इसका मतलब होता है कि किसी भी आप जैसे उससे बात कर रहे हैं, उसने हाँ या ना में कोई चीज़ समझ में आई नहीं, तो उसका वो आंसर तुरंत दे सकता है। यानी आप उसको तुरंत आपको आंसर मिल सकता है, और आपका जो कम्युनिकेशन है, जैसे फीडबैक है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि उसको मेरी बात समझ में आई या नहीं। जैसे हमने कोई चीज़ बोली, हमने पूछा आपको समझ में, आपको नहीं समझ में आया, तो आपने तुरंत इमीडिएट मुझको क्या दे दिया, फीडबैक दे दिया, सर मुझको ये चीज़ समझ में नहीं है, या इस चीज़ को दोबारा बता दीजिए, तो वो तुरंत हमारी समझ में आती है। तो इसका हमारे पास क्या है, फीडबैक तुरंत मिलता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास कॉन्फिडेंसी है, कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल क्यों, जब हम दो पर्सन आपस में बात करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, थर्ड पर्सन तो हमारा इन्वॉल्व होता नहीं, क्लियर। थर्ड पर्सन हमारा इन्वॉल्व नहीं होता, तो हम दोनों के बीच की जो बात होती है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होती है अदर कम्युनिकेशन से। अदर कम्युनिकेशन मान लो मोबाइल पे बात कर रहे, हो सकता है मोबाइल की बात हमारी रिकॉर्ड कर रहा हो, या हमारी बात वो साउंड स्पीकर ऑन करके वो किसको सुना रहा हो, तो कई कंडीशंस हमारे पास हो सकती है। पर अदर कम्युनिकेशंस की अपेक्षा इसमें जो हमारे पास जो कम्युनिकेशन करते हैं, ओरल कम्युनिकेशन, ज़्यादा हमारा क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है, गोपनीय होता है। तीसरा हमारे पास मोर इफेक्टिव एंड मोटिवेशन इन एंड कंट्रोल। नेक्स्ट हमारे पास है मोर इफेक्टिव इफेक्टिव मोर इफेक्टिव इन मोटिवेशनल एंड कंट्रोल। देखिए अब मोर इफेक्टिव क्यों अपन बोलते हैं इसको, कि अगर हम किसी से बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो हमारे सामने वाले पे हमारी बातों का क्या प्रभाव पड़ता है, और दूसरा इफेक्ट तो डालता ही डालता है। दूसरा हमारे पास जैसे किसी कर्मचारी से बात कर रहे हैं, उसने कोई काम अच्छा किया है, तो हमने उसको क्या कर दिया, तारीफ कर दिया, तुमने बहुत अच्छा किया, ये किया, फलाना किया, ढिकाना किया, तुमसे अच्छा कोई कर नहीं सकता, तो हमने उसको वहीं पे क्या कर दिया, उसको मोटिवेट कर दिया। अगर उसने कोई काम अच्छा किया तो हमने उसको तुरंत मोटिवेट किया। दूसरा हमारे पास कंट्रोल, अगर उसने किसी काम में गलती कर रहा है, जैसे वो दिखाने आया, तो मैंने तुरंत बता दिया कि आपने यहाँ पे गलती की, तो हम वहाँ से उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल्ड भी कर सकते हैं। तो इफेक्टिव भी हो सकता है, इन मोटिवेशन भी हो सकता है, एंड कंट्रोल भी हो सकता है। तो जो हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन है, इफेक्टिव तो है ही है, बातचीत करते हैं, किसी सामने वाले को बताते हैं। अगर उसने अच्छा काम किया, किसी एम्प्लॉय ने या किसी स्टूडेंट ने अच्छा काम किया, या स्टूडेंट ने कोई काम अच्छा किया, असाइनमेंट बहुत अच्छा बनाया, तो हमने दो शब्द उसको बोल दिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो स्टूडेंट खुश हो गया कि सर ने मेरी तारीफ की, तो हमने उसको क्या कर दिया, मोटिवेट कर, या तुम्हारे अलावा ये कोई काम नहीं कर सकता, मोटिव। अगर कोई स्टूडेंट गलती कर रहा तो हमने तुरंत उसको बोल दिया तुमने यहाँ पे गलत किया, उसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो अदर कम्युनिकेशन की अपेक्षा ये इफेक्टिव होता है, और मोटिवेशन एंड कंट्रोल भी होता है, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है मोर यूजफुल यूजफुल ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी अब ड्यूरिंग इमरजेंसी यानी आपातकाल में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अब जैसे मान लो कोई घटना घटने वाली है, कोई चीज आप देख रहे हैं उसकी तरफ आ रही है, तो आप उसको अगर लिखे में मैसेज करोगे तो आपको क्या करेगा, टाइम लगेगा नहीं, और नहीं तो आप तुरंत चिल्ला दोगे वो वहाँ फलानी चीज़ हो रही है, या आपने कहा वहाँ उसके बच्चे जाना, वहाँ सामने कोई प्रॉब्लम आने वाली है, कुछ आग दिख गया आपको, तो आप मोर यूजफुल ड्यूरिंग इमरजेंसी आपातकाल में ये कम्युनिकेशन आपका, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगता है, तो कम टाइम लेता है और कम्युनिकेशन हमारा बेटर तरीके से होता है, हम तुरंत उसको इशारे से, चिल्ला के, किसी भी तरीके से इसमें बता सकते हैं। इससे अदर कम्युनिकेशन जो हमारा है, इसमें हमारे पास समय कम लगता और आपातकालीन के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्लियर। तो ये जो हमने अभी आपको 6 बताए थे, ये हमने किसके बताए, ओरल कम्युनिकेशन। तो हमने आपको ओरल कम्युनिकेशन बताया, ओरल कम्युनिकेशन के कौन कौन से मीडिया होते हैं हमने आपको बताया, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, टेलीफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, स्पीच, अनाउंसमेंट्स, लाइक दिस, इस टाइप के हम कोई भी यूज, ये जैसा हमारे क्या कहलाते हैं, मीडियाज कहलाते हैं। और ये जितने भी हमने आपको 6 पॉइंट बताए, फास्टेड कम्युनिकेशन, मोर फोर्सफुल, इमीडिएट फेसफुल, कॉन्फिडेंशियल, मोर इफेक्टिव एंड मोटिवेशनल कंट्रोल, मोर यूजफुल ऑफ ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हमारे कहलाते हैं कम्युनिकेशन के मेरिट्स।
अगर अब यहीं पे हम बात करें तो कम्युनिकेशंस के हमारे पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं या कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं। किसकी? ओरल कम्युनिकेशन। तो अपन यहाँ पे डाल लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, ये एडवांटेजेस हो गए। अब हमारे पास डाल लेते हैं हम डिस एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। अब देखिए ओरल कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेजेस हम सबसे पहले बात करते हैं, नो लीगल वैलिडिटी मतलब होता है वैधानिक मान्यता का अभाव। अगर जैसे हमने यहाँ पे किया नो लीगल, देखिए नो लीगल वैलिडिटी, इसके सबसे बड़ी बात होता है इसका कोई मान्यता या अभाव है। क्या मान्यता नहीं इसकी? जैसे हमने किसी स्टूडेंट से कह दिया, किसी मान लो किसी आपने कोई प्रॉपर्टी लिखाई और प्रॉपर्टी लिखाने का जाओ तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी, ठीक, उसने हमें कहीं कुछ किया नहीं, कल को मुकर्जा हमने दिन से ऐसा कुछ कहा नहीं तो चेंज हो गया, तो इसकी लीगल वैलिडिटी नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, जब लीगल वैलिडिटी हो तो अपन क्या कहते हैं, भैया हमें लिखित में दो, लिखित वाला जो होता है वो प्रूफ होता है, वो लीगल वैलिडिटी होती है, जबकि ओरल वाले का कहीं लिखित नहीं होता, ये लीगल वैलिडिटी नहीं होती है। तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन इसमें डिसएडवांटेजेस है, इसका महत्व तो नहीं, ओरल कम्युनिकेशन का महत्व तो नहीं जब तक कोई चीज़ हमारे पास लिखित में ना हो। अपन बोलते हैं लिखित में नहीं दिया आपने, ये कोई वैलिड नहीं, हमने सिर्फ क्या बोला, मौखिक बोल दिया तुम्हारे आए, पर लिखित में तो हमने नहीं दिया। कल को अपनी बात से जैसे हमने किसी बात पर्सन से कोई बातचीत की किया, तो आपने कहा कि हमने कह दिया मान लो असाइनमेंट्स जमा करना, नहीं फेल कर दूंगा, नंबर नहीं देना, तो हमने आपको लिखित में तो नहीं दिया। कल को हम कहते नहीं हमने ऐसा स्टूडेंट से बोला ही नहीं। तो आपने देखा जब भी कोई नोटिस निकाला जाता है या कोई आपको अनाउंसमेंट किया जाता है तो हमेशा लिखित में ये जाता है, लिखित में मतलब उसको वैलिड माना जाता है इसको, और ओरल कम्युनिकेशन को कभी आपका वैलिड नहीं माना जाता, लीगल वैलिडिटी नहीं होती है। तो इसीलिए इसका ये पहला डिसएडवांटेज है, नो लीगल वैलिडिटी, यानी इसको कहीं मान्यता प्राप्त नहीं है। ये सिर्फ पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन तो कर सकता है, पर इसको अगर हम बात करें एज ए प्रूफ के रूप में, तो एज ए प्रूफ के रूप में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्लियर। और दूसरा, अगर आप एक और इसकी में प्रॉब्लम आती है हमारे पास, एक प्रॉब्लम हमारे पास इसमें क्या आती है कि इसको हम भूल भी सकते हैं। जैसे आज हमने कुछ कहा, कल को 10 दिन बाद 15 दिन बाद अगर हमने कहीं लिख के नहीं रखा तो हम इसको भूल सकते हैं, यानी हम इसको लॉन्ग टाइम तक के लिए याद नहीं रख सकते, ठीक है। तो अपने इसमें क्या, लंबे समय तक हम इसको याद नहीं रख सकते, नॉट रिटेन फॉर ए लॉन्ग टाइम, हम इसको लंबे समय तक किसी चीज़ को याद नहीं रख सकते। अगर हमने लिख के कहीं रख दिया, अगर हमने मान लो किसी को 500 रुपये कर्जा दिया है, किसी बैंक वाले उधार दिए 10 लाख रुपए, और हम अगर उन स्टेटमेंट्स को या उनको नोट करके ना रखें तो 10 दिन बाद 2 साल बाद 3 साल बाद हम तो भूल ही जाएंगे हमने किस पर्सन को पैसा दिया है, किस पर्सन से हमें लेना है, क्या करना। तो हम इसको लॉन्ग टाइम तक, ओरल कम्युनिकेशन में ये भी डिसएडवांटेज है कि हम इसको लॉन्ग टाइम तक हम इसको याद करके नहीं रख सकते, नॉट रिटेन फॉर ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम तक हम किसी चीज़ को याद करके नहीं रख सकते, ये इसमें ओरल कम्युनिकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेड स्कोप की बात करें कि ओरल कम्युनिकेशन का क्षेत्र जो है काफ़ी सीमित है, जो एरिया है वो काफ़ी सीमित है। यह कम्युनिकेशन सिर्फ दो रूप, मतलब हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, पर अगर इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है किसी से, दूर बैठा है पीपल काफ़ी दूर है, कहीं बात करना है कहीं, तो ये हमारे लिए कम्युनिकेशन बहुत उचित कम्युनिकेशन नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास ये कम्युनिकेशन कहाँ पे होता है, फिर स्कोप बहुत लिमिटेड है। जैसे हमने वाले फ़ोन से बात कर लिया, किसी से ये कर लिया, वो कर लिया, पर हमें बहुत प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन ही काम करना है, या हमें कम्युनिकेशन पर डिस्कशन करना है किसी से, वो करना, तो फिर हमारे पास ये कम्युनिकेशन हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा लीगल, यानी स्कोप इसका लिमिट है, इसका जो एरिया है वो हमारे पास कैसा है, सीमित है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है
नेक्स्ट हमारे पास अगर इसमें बात करें तो ओरल कम्युनिकेशन के लिए जो हमारे पास है सेंस बहुत जरूरी है, सेंस। नेक्स्ट हमारे पास है सेंस। सेंस यानी अगर हम किसी से बात करें ना, तो बात करने के लिए अगर हमने ऊट पटांग की बात करी, सेंसलेस बात की, मीनिंगफुल बातें नहीं की, तो ये कम्युनिकेशन हमारा क्या बिगाड़ सकता है, काम बिगाड़ सकता है। तो सेंस बहुत जरूरी है, हमें अपने प्रॉपर तरीके से बात करेंगे तो ठीक रहेगा, अगर प्रॉपर तरीके से बात नहीं करेंगे तो कभी कभी हमारा जो सेंसलेस होता है किसी से हम मिलकर बात करते हैं तो मामला हमारे पास बिगड़ भी जाता है। तो ये हमने जो आपको अभी तक बताया है ये हमारा क्या कहलाते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हमको नेक्स्ट हमारे पास ऐसे पॉइंट्स हैं, इशेंशियल एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन। अगर अब आपके पास है कि हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन क्या है, ओरल कम्युनिकेशन एक मीडिया क्या है, मेरिट्स बता दिए आपको, डिसएडवांटेज। अब अपने के पास है एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन, यानी ओरल कम्युनिकेशंस के लिए कौन कौन से आपके पास इफेक्टिव तरीके हैं। तो अगर आपको हो तो हमने कम्युनिकेशंस के लिए जो 7 C's बताए थे, 7 C अगर आपको याद हो, 7 C बताए थे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 7 C's हमने आपको कौन कौन से बताए थे अगर याद हो, क्लियर बताया था, दूसरा हमने आपको क्या बताया था, कंप्लीट, कंप्लीट, फिर हमने तीसरा क्या बताया, कॉन्सियस, कंसिस, ठीक है, कंसिस, फिर करेक्ट, करेक्टनेस, ठीक है, फिर हमने बताया था कैंडिड, फिर हमने बताया क्या, कॉन्क्रीट, ठीक है, ये 7 C's हमने आपको बताए थे कि इन 7 C's पे हम यूज करते हैं, ठीक है। ये 7 C हमारे पास कम्युनिकेशन में बहुत आवश्यक है, क्लियर। अब देखिए हमारे पास अगर हम इसी में बात करें तो सबसे पहले इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारा कब होगा, जब क्लियर प्रोनाउंसिएशन, क्लियर प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन, क्लियर प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, एंड एप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस, ठीक। अब देखिए अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, बात करने में जो हम शब्दों का यूज कर रहे हैं वो हम क्लियर नहीं कर रहे हैं, स्पष्ट नहीं बोल पा रहे कि हमने शब्दों का चयन कैसे किया है, शब्द हमें कैसे बोलने हैं, ठीक, एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं, उनका कोई मीनिंग नहीं, उनका कोई अर्थ नहीं, तो हम किसी को भी क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। यानी जब हम कम्युनिकेशन अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन करें तो अपने वर्डों का, अपने प्रोनाउंसिएशन का, अपने जो ट्रांसलेशन से यानी जो अनुवाद हैं उनका जो मीनिंग है वो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन करें, तभी हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है, नहीं तो हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट इसमें हमारे पास है लॉजिक, सॉरी नेचुरल, नेचुरल वॉइस, नेचुरल वॉइस एंड लॉजिकल सीक्वेंस, लॉजिकल सीक्वेंस, लॉजिकल सीक्वेंस,
अब देखिए कुछ लोग क्या होते हैं, कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए बन के बोलने लगते हैं, किसी की कॉपी नकल करने लगते हैं, तो आपका कम्युनिकेशन बिगड़ जाता है। तो आप क्योंकि नकल कर रहे हैं, हमेशा जो आपकी नेचुरल वॉइस है उन्हीं पे आपको फोकस करना है, उसी नेचुरल वॉइस में आपको कम्युनिकेशन करना है। आपको बन के नहीं बोलना, आपको कोई बनावटी आवाज़ नहीं निकालनी, जो आपकी नेचुरल वॉइस है उसी नेचुरल वॉइस पे आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है। और लॉजिकल सीक्वेंस यानी आपके जो सीक्वेंस है वो आप जो सीक्वेंस आप जिस लॉजिक पे बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, उसका प्रॉपर क्या होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए। क्लियर? तभी आप प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, नहीं तो कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे और इसमें अपन डाल लेते हैं, संक्षिप्तता होनी चाहिए, शॉर्टनेस होनी चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास होना चाहिए जो कम्युनिकेशन होना चाहिए उसमें आपका क्या होना चाहिए, इफेक्टिवनेस होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्लियर? यही सारी चीज़ें हैं जो आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बनाती हैं। शब्दों को कभी तोड़ मोड़ के नहीं बोलना चाहिए, जो शब्द बोलें जो सेंटेंस बोलें वो आपका कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हमने आज आपको बताए किसके, ओरल कम्युनिकेशंस के। अब नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे रिटन कम्युनिकेशन और उसके मेरिट और डीमेरिट्स। तो ये अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो इसमें आप बताइएगा। ठीक है? थैंक यू।